लग गया था, ठीक है, समा वाइज आई स्किप सम माय माइंड एंड दिस टॉपिक वाज स्किप। तो अब इसमें क्या है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इसमें इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं अपन, आई को भी नोट करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, छोटे छोटे कितने मास लेते हो, डी एम डी एम डी एम लेते हो, उसके बाद एन नंबर ऑफ मासेस लेते हो, ठीक है, और फिर बता देते हो कि उन सबका डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री है, और फिर एक डेफिनेशन दे देते हो कि इन सबको जोड़ो, डी एम आई और आर आई स्क्वायर, इसका मतलब तो समझ लेते हैं, डी एम मतलब छोटे छोटे मास का उसका डिस्टेंस, तो जब पहला मास क्या होगा एम वन, तो आई कितना होगा वन आर वन, एम वन आर वन स्क्वायर, दूसरा से दूसरा मास एम टू आर टू स्क्वायर, इस तरीके से छोटे छोटे मास जुड़ जाएंगे, उनकी रेडियस का जो डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर जोड़ के अपन निकाल सकते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा, इसको हमने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेडियस ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मान लो तुम्हें इतने सारे जो पॉइंट लिए हैं, छोटे छोटे डब्बे लिए हैं तुम्हें, इन सबको मानो क्या, एक सिंगल मास, मतलब पूरी पूरी की पूरी बॉडी को क्या मानो, एक सिंगल मास, उस सिंगल मास को एक डिस्टेंस किससे घुमाओ, आर से घुमाओ, मतलब वो डिस्टेंस सिंगल मास यहाँ पर रखा हुआ है एम, ठीक है, इसको कैपिटल एम बोल देते हैं, सिंगल एम कैपिटल एम, ठीक है, और ये जो दूरी होगी उस दूरी को कितना बोल देते हैं के, इसी के को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि आपको इसकी बॉडी लेने की जरूरत नहीं है, आप हाँ इतने सारे जो ले रहे हो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक कुछ ऐसा निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा निकालो जिसमें इतने अनगिनत मास लेने की जरूरत नहीं, उस मास को क्या मान लो, एक छोटा सा पॉइंट साइज का मास मान लो, उसका मास का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल एम, और उस मास का डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल के, अब आर भी होगा उस के होगा, इसी के को क्या बोल रखा हूँ, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, मतलब इसको इतनी दूरी पर रखो, ठीक है, और मास उतना लो ताकि इन दोनों का आंसर कितना आएगा, जैसे एम के स्क्वायर मिलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, आई एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब इसमें समेशन आएगा, क्या आएगा, समेशन आई एम आर, एम आई जो निकाला हुआ है एक दिन, एम को मान लो एम ले लिया, क्या मास ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो मास। तो आपको इस चीज़ को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो ये डिस्टेंसेस भी क्या होगी, कन्वर्ट होगी, मतलब ये छोटी छोटी आर वन आर टू डिस्टेंस होती है, कितने कन्वर्ट हो जाएगी, तो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये जो के आता है इसको क्या बोलते हैं, ये तो डायरेक्शन, मतलब यहाँ से तुम इक्वेट कर सकते हो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन को, यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का निकलेगा, देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, मतलब आपको डिस्क लेने के नाम लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क कभी देखे तुम क्या बोलते ले सकते हैं, वो डिस्क है उसका पॉइंट ऑफ डिस्क मान लो कितना 5 किलोग्राम का है, तो 5 किलोग्राम की डिस्क पड़ी हुई है, तुमने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था तो कुछ पॉइंट्स के कारण निकाला था, इसके दूरी दूरी के पॉइंट लेते, तो अपने को उसके सारे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पॉइंट ये ले लेंगे अपन, ठीक है, और फिर उसको पुट करेंगे एम के स्क्वायर, जो भी आपको एक्चुअली क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जैसे रेडियस ऑफ डायरेक्शन आपको क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड, फिर ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, कई तो क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बस यही है कि इसको स्ट्रेट स्ट्रेट करना है, इसके नई बॉडी बनानी है, मतलब ये बॉडी कैसी बन जाएगी, छोटी सी एक दूसरी बॉडी बन जाएगी, उसकी डिस्टेंस ऐसी रखना है कि जो कि इनको डिस्टेंस को जोड़ जोड़ के आ रहा था उसकी एक डिस्टेंस रखना है, मतलब ऐसी समानता दिखानी है कि दोनों को बराबर करने पे आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये जो डिस्टेंस रखी गई थी इसी को क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इनको बराबर बनाने के लिए, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इसी पूरी और जो है आपकी एनसीईआरटी में किताब में देखोगे ना डेफिनेशन, तो बिल्कुल समझ में आने वाली है नहीं, तो आपको होमवर्क है कि रेडियस ऑफ डायरेक्शन की क्या करना है, डेफिनेशन अब आपको लिख नहीं है, लिख के आने नोट्स में, ठीक है, आपको फिर पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा था, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। नाउ क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्क, क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्क, ठीक है, अबाउट,
एक का सीखा, एक
एक दो का निकालना सीखा, बाकी उसके लिए कुछ सबसे कहते ही आपको एडजस्ट करना आ जाएगा, सबका याद होना चाहिए मोमेंट ऑफ मोमेंट का। चलो 7.16 देखो, थ्री बॉडी तीन बॉडी है रिंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल हमने निकाला था क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना निकाला था, ए इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये निकाला था ना रोलिंग मोशन में, अगर कोई बॉडी रोल करती है तो ना रोलिंग मोशन में निकाला था काइनेटिक एनर्जी। हाँ ठीक है, हाफ यहाँ पे ये जो वी होता है ये किसकी वेलोसिटी होती है, याद रखना हमेशा किसकी, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि इसमें दो चीज़ें स्टार्ट करती है, सेंटर ऑफ मास भी चलता है और पार्टिकल भी गोल गोल घूमते, तो ये पार्टिकल की है और ये सेंटर ऑफ मास की है, ठीक है। उसके बाद फिर बस यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला में क्या किया है, कुछ चेंजेस किया हुआ है, चेंजेस क्या किए हैं यहाँ पे पता, वी इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रखो इसमें, वी इज इक्वल टू क्या रखो आर ओमेगा रखो, और आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर रखो, आई इज इक्वल टू क्या रखेंगे एम के स्क्वायर, चलो पुट कर दो, तो मुझे बताओ क्या आपको ये चीज मिलती है क्या, क्या कंफ्यूज मत होना इसको काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख देता है, लेकिन ये तो काम ही देखें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ, आई की जगह क्या रखेंगे एम के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को नहीं बदलना है, ओमेगा स्क्वायर ही रखना है, हाफ की जगह फिर से हाफ, एम की जगह एम रहेगा और वी थ्री एम की जगह आर ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जब आपको पता चल जाता है कि ऐसा करना है तो उसके बाद खुद से सॉल्व करें, और फिर काइनेटिक एनर्जी का एक फाइनल एक्सप्रेशन जो निकलेगा अब क्या निकलेगा, तो हो गया 1/2 एम, इतना बड़ा ये आ रहा है एकदम 1/2 एम, वी इक्वल टू आर ओमेगा आता है तो ओमेगा को हटाना है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा को हटाओ, ठीक है, वी को मत हटाओ, ओमेगा को हटाओ, मैंने क्या कर दिया वी को हटा दिया, ठीक है। आप ये भी एक फॉर्मूला है, किसी पता नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला एक तो ये भी हो गया, आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला बोल दो, हाँ ये भी एक फॉर्मूला, ठीक है। पता मार दोनों सेम ही, मैंने क्रिटिकल एम क्यों लिया, ठीक है। ये म्यूजिकल तो आर ओमेगा होता है ना, पहले तो बड़ा था, हाँ फॉर्मूला म्यूजिकल तो आर ओमेगा। चलो अब क्या करना है, एक्चुअली ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी ओ एम बार बाय आर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, तो मैं कह रहा था कि आप है ना इसमें ओमेगा की जगह क्या रखो, वी सी ओ एम बाय आर रखो, है ना, दोनों तरीके से निकाल सकते हो अगर पूरा का पूरा। चलो एक फॉर्मूला ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी निकाल लिया तो कोई गलत नहीं, उसको बांटना नहीं, निकाल लिया एक और, ठीक है, एक फॉर्मूला है इसमें आप क्या रख सकते हो, देखो यार एक बार ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं बी बाय आर, और एक बार बी की जगह क्या रख सकते हैं आर ओमेगा, दो फॉर्मूले और हो जाएंगे, उससे क्या करना तुमको, फॉर्मूले तो कितने भी सारे निकाल सकते हो ना, अब उसकी जगह पुट करेंगे अब, हाँ हाँ अब दूसरी जगह मैं क्या किसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू बी कॉम बाय आर लिख के बना रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में बना लो, इसमें इतना इसमें रख लो, एक ही बात है, 1/2 आई की जगह आई बी कॉम बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आई की जगह तो एम के स्क्वायर रखना है, आई इक्वल टू क्या रखोगे एम के स्क्वायर, स्मॉल एन रखा है तो स्मॉल एन ले लो, सबको कैपिटल एन स्मॉल एन जो भी है कई बार मैं बदल लेता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, एम के स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वी कॉम का स्क्वायर, बात समझ में आई कि नहीं है ना, पुट करके आता है क्या वैल्यू को, एक भी नहीं किया मैंने, ये जो मामला था एक बार ओमेगा की जगह क्या रख लिया वी बाय आर, और एक बार ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा रख लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, जो फॉर्मूले नया बन गया बस इस फॉर्मूले का यूज किया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला डिपेंड करता है एक्चुअली कि कौन सा यूज करना है, ये दिया है तो ये या तो ये, या तीनों में से कोई सा भी आप कर सकते, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें देखने जाए एम वी स्क्वायर भी आएगा, तो देखना जाएगा वी सी एम का स्क्वायर भी आएगा, अब उसको इतना गणित आ जाएगा करता आर नहीं आ वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये थोड़ा मैंने उधर उधर लिख दिया, या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वन, देखना जरा देख लेना जरा नहीं आया तो देख लेना, ठीक है। अभी तो मैंने बुक का एक्सप्रेशन लिख दिया डायरेक्ट, पर वो कॉमन लिख ही रहा है, देखने की जरूरत नहीं है एम, ये तो पूरा खाली हो गई ना, तो वन बचा इधर का, इधर क्या बचा वी स्क्वायर था आर स्क्वायर था एक इसमें, तो आर स्क्वायर नीचे का नीचे बच गया, के स्क्वायर बच गया और हाफ एम वी स्क्वायर था आता, ठीक है। तो ये आपका एक नया
फॉर्मूला आ गया, इसके फॉर्म में रेडियस ऑफ गायरस होता है, इसके फॉर्म में रेडियस ऑफ गायरस होता है। क्या बात करते हैं, चलो अब ये फॉर्मूला इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसको क्वेश्चन नंबर 7.16 होगा, एग्जांपल 7.16 में, ठीक है। चलो एग्जांपल 7.16 पढ़ो, ये फॉर्मूला याद रहेगा। यहाँ पर वी क्या है, वी के एम क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एम क्या है पूरी बॉडी का मास, ठीक है, के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, और आर रेडियस जो भी डिस्टेंस बनेगी हमारा, चलो ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन और हमारा कैप्टन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगा। 7.16 में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन पे, ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन बताया, और बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्या है, तीन अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन से क्या थी है, यहाँ पे ऐसे बिना स्लिप हुए, बिना स्लिप का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ एकदम गोल गोल घूमते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट ऐसा खटक 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 के चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए और यहाँ पर आया ये वाले, मतलब ये उसके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अब तीन ऑब्जेक्ट के नाम क्या है, सेंगल इसका एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। थ्री बॉडी, एक रिंग दिया है सॉलिड सिलेंडर और एक अलग क्या दिया है रिंग, फिर दूसरा सॉलिड सिलेंडर, फिर तीसरा सॉलिड, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, अच्छा अब ये घूमेगा तो किसके अबाउट घूमेगा, किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता रहेगा, आपको टेबल में दे रखा है, ये तीनों ऑब्जेक्ट है उनका। अब ये जो ना रिंग भी, ये डायग्राम एक ही बना है, तीन डायग्राम नहीं बताऊंगा आपको, तो रिंग के लिए भी वही है, सिलेंडर के लिए भी, सामने समझ लो सिलेंडर है और सॉलिड स्क्वायर के लिए समझ लो सामने से क्या है ये सॉलिड स्क्वायर है, इसका हाइट दे रखा है आपको कितना, क्लियर है, हाइट कितना दे रखा है आपको ये। अब यहाँ से इसको क्या किया, गिराया गया, मतलब गिराया नहीं रोल किया गया, इनको क्या किया गया रोल किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, इन सबको रोल कर दिया, द फिर क्या पूछा है, द स्टार्ट फ्रॉम वेयर, अच्छा कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये रेस्ट, मतलब ये चीज यहाँ पे जिसे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ये सब कहाँ पर है, तो ऊंचाई पर रखे हुए हैं, ऊंचाई पर कौन सी एनर्जी होती है उनके पास बताइए, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट पे है तो पानी की एनर्जी कितनी है, अब वो लुढ़क के लुढ़क के आएंगे, क्या आपने पढ़ा था कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है, इसका मतलब जब इस पॉइंट पे आएंगे, जब ये इस पॉइंट पे आएंगे तब पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ इसकी होगी, पर काइनेटिक कौन सी होगी, ये वाली जिसकी रोल कर रहा है, इसमें दो चीज़ों की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की भी और पार्टिकल वाली, आप इन इसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी कौन सी बड़ी, अपन अगर कोई बॉडी रोल करती है तो के वाला गायरेशन वाला फॉर्मला डिराइव किया ना, वो क्या है काइनेटिक एनर्जी का तो है देखने के लिए थोड़ी, काइनेटिक एनर्जी का ही है ना, किसकी, जब चीज़ें रोल करते आती है, अब ये ऐसी खिसक खिसक के आती है ना खंड, बस चीज़ें तो चीज़ें मैं क्या लेता हाफ एन जी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि उसमें तो बॉडी ट्रांसलेट कर रही थी, उसमें कोई बॉडी घूम थोड़ी रही, अब घूम रही है तो घूमने के कारण भी एनर्जी क्या होगी, बनेगी ना तो प्लस आएगा ना कुछ ना कुछ, तो बात समझ में आई कि नहीं, मतलब कुल मिला के क्या होगा कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पूरी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो, और पूरी की पूरी किसमें बन जाएगी, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी रेडियस ऑफ गायरेशन वाला पता है क्या, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो देखा ही नहीं अपने को, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगी ना तो वेलोसिटी क्या होगी, अब जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगी तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, वो वेलोसिटी कितनी है जी, जो भी जो आप यहाँ पे सबकी अलग अलग आएगी, सबकी क्या आएगी अलग अलग आएगी, तो भी अपना फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी वाला का था हाफ, हम वो वेलोसिटी मान लेते कौन सी है जी स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी है हाफ एम जी स्क्वायर, प्लस क्या था ये कॉमन लेते थे वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यही था ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी नहीं आएगा, समझ में करेक्ट समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है, ये क्या है ना,
किताब हमें पढ़ने वाली थी, तो पुट्टी करके भी निकालो, कितना आ रहा है? हर बॉडी के लिए अलग निकलेगा, नहीं पहले तो कॉमन भी निकाल लो, फिर रेडियस ऑफ गायरेक्शन सबका क्या होगा, तो अलग अलग पुट कर देना। अरे भाई तीन ऑब्जेक्ट है ना भाई, रेडियस ऑफ गायरेक्शन रिंग के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए, नया समझ। चलो इधर तो निकाल लो पहले जी का एक्सप्रेशन, बताओ कितना होगा सी जी एच अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ये टू उधर भेजा तो टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें डायरेक्टली दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये जी स्क्वायर तो जी एच स्क्वायर रहेगा और कहाँ जा रहे हैं जी का, ये आ गया क्या तो
डायरेक्शन तुमको निकालनी पड़ेगी एम आर स्क्वायर, मतलब एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है क्या? एम के एम कट जाएगा तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर आएगा। चलो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2gx/1 प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूला है ना, के स्क्वायर की जगह कितना 2/5 आर स्क्वायर, 2/5 आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पानी सब आपको सॉल्व करके निकालना है तो मिल रहा है 10gx/1 में रूट होगा, मिल रहा है अंडर रूट 10gx/1 में अंडर रूट पूरा है रूट में लगा होगा क्या आपको उसमें किसी भी चीज़ में समस्या है? वेरिएबल डायरेक्शन कैसे नहीं होते ही इसलिए तो बताया ना, वेरिएबल डायरेक्शन के फॉर्म में सॉल्व किया हमने क्वेश्चन को, ठीक है ये तो निकाला है ना हमने, वेरिएबल डायरेक्शन कैसे निकाला था, एक क्वेश्चन का सिखाया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या कर दिया, चेंज कर दिया, टाइम फ्रेम कटता है उसमें हमेशा और जो बचा हुआ रहता है वही आपका वो रहता है। तो एक दो न्यूमेरिकल थ्योरी को थे समझाने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो चीज़ों का। चलो यहाँ पर ये चक्कर क्या होता है,